आज हम बनाएंगे हेल्दी आटा बिस्किट। ये बहुत ही हेल्दी नाश्ता है, बहुत झटपट भी बन जाता है, बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स में बनता है और ये काफ़ी दिन तक आप उसको खा सकते हो। लगभग एक महीना आप इसको स्टोर करके खा सकते हो क्योंकि ये आटे का है, ये बहुत ही हेल्दी है। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। अभी हम एक बाउल लेंगे, हम इसका अभी आटे का बैटर तैयार करेंगे। इसमें हम लगभग 1/8 कप यानी कि 2 बड़े चम्मच हम घी लेंगे। अब हम इसमें लगभग 1/4 कप जो चीनी है वो डाल देंगे और अभी हम इसमें लगभग 1/4 कप हमने पानी लिया है। पानी हमको हल्का गुनगुना लेना है। ये जो घोल है इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पानी थोड़ा गर्म इसलिए भी होना चाहिए ताकि बटर और जो चीनी है वो अच्छे से मेल्ट हो जाए। तो ये देखिए मिक्स करके हो गया है, हमने इसको 1-2 मिनट मिक्स किया है। अभी इसमें ऑलमोस्ट शुगर वगैरह सब डिसॉल्व हो गई है। तो अभी हम इसमें डालेंगे जो हमारे ड्राई फ्रूट्स हमने जो बारीक काट लिए हैं लगभग 1 से 1.5 चम्मच से, और हमने 1/2 चम्मच जो खसखस लिया है वो, तो हम दोनों डाल देंगे इसमें और अभी हम इसको हल्के से हिला लेंगे। तो अभी हमको सारा आटा एक साथ नहीं डालना है, हम 1-1 चम्मच करके ऐड करके इसको मिक्स करके इसका आटा लगाएंगे। तो अभी हमने 2 चम्मच आटा डाल दिया है और अभी हम इसको मिक्स करेंगे। एक साथ डालेंगे तो ये बराबर मैश नहीं होगा, इसलिए हमको 1-1 चम्मच करके सारा आटा जो है, हमने जो 1/4 कप आटा लिया है वो ऐड करना है। थोड़ा थोड़ा करके हम इसको ऐड करेंगे। देखिए जैसे ये आटा गाढ़ा हो गया है तो अभी हम इसको हाथ के हेल्प से मैश करेंगे क्योंकि अभी चम्मच से ये मैश नहीं होगा। तो देखिए ये गूंद के आटा कुछ इस तरह से हो गया है। हमको इसको बहुत ही सख्त या बहुत ही पतला नहीं करना है। तो ये देखिए हमारा आटा भी गूंद के रेडी है। अभी हमको इसको 2 मिनट ढक के रखना है और उसके बाद हम इसका लोई बना के इसको बेलेंगे। तो चलिए हम इसको अभी 2 मिनट ढक के रखते हैं। तो चलिए अभी 2 मिनट हो गया है, अभी हम इसका लोई बना लेंगे। तो हम 2 पीस में इसको ले लेंगे और अभी हम इसका राउंड करके इसको बेलेंगे। बेलन है उसको हल्के से ग्रीस कर लिया है, अभी हम लोई लेकर बेलेंगे। अभी हमने हमको इसको चारों साइड से फोल्ड करना है इस तरह से और अभी इसको हमको ऐसे करके फिर से बेल लेना है। देखिए अभी हमने इसको बेल लिया है और अभी हम इसको लगभग इतना मोटा रखेंगे। और अभी हम इतना मोटा रखने के बाद हमने एक ऐसे ढक्कन लिया है बॉटल का। आपके पास अगर कुकी कटर होगा तो आप उससे इसके बिस्किट शेप कर सकते हैं। तो हमको इसको अभी बिस्किट शेप पे कट करना है, तो हम इसको इस तरह से कट कर लेंगे। देखिए इस तरह से ये शेप आएगा। तो अभी हम सारे कट कर लेंगे कुछ इस तरह से। तो ये देखिए हमारी जो बिस्किट्स है रेडी है। अभी हम सारे आटे को इस तरह से बिस्किट्स शेप में कट कर लेंगे और फिर हम इसको डीप फ्राई करेंगे। तो चलिए अभी हम इसको डीप फ्राई करते हैं और 7 से 8 मिनट पकाएंगे। तो चलिए हमारा जो गैस पे हमने तेल रखा था वो लगभग गर्म हो चुका है। अभी हम इसमें एक लोई डाल के चेक करेंगे कि ये रेडी हुआ है कि नहीं। नहीं, लोई ऊपर नहीं आ रही है, मतलब अभी तक रेडी नहीं है, गर्म नहीं हुआ है। तो इसको पहले हम हाई फ्लेम पे तेल को गर्म कर लेंगे, फिर हम ये बिस्किट इसमें डाल देंगे। तो ये देखिए अभी हमारा ये जो हमने चेक किया था वो रेडी हो गया है। तो अभी हम ये जो बिस्किट्स हैं उसमें एक एक करके डाल देंगे फ्राई करने। अभी हमको इसको मीडियम फ्लेम पे पकाना है थोड़ी देर और फिर स्लो फ्लेम पे इसको 7 से 8 मिनट पकाना है। ये देखिए ये अभी लगभग कुछ इस तरह से हो गया है। तो अभी हम इसको दूसरी साइड से पकाएंगे। देखिए हल्का गोल्डन ब्राउन हो गया है। तो अभी हम सारे पलट लेंगे। देखिए ये सारे गोल्डन ब्राउन हो गए हैं ये साइड से, तो अभी हमने सबको पलट लिया है। ये हम मीडियम टू हाई फ्लेम पे इसको पका रहे हैं, एक्चुअली मीडियम फ्लेम, हाई नहीं बोलेंगे। तो हम उसको अभी इस पे पका रहे हैं और फिर जैसे ये दोनों साइड से गोल्डन ब्राउन हो जाएगा उसके बाद हमको 7 से 8 मिनट स्लो फ्लेम पे इसको पकाना है ताकि जो अंदर का बैटर है वो अच्छे से पक जाए। तो ये देखिए दोनों साइड से ये अभी ब्राउन हो चुका है। अभी हमको इसको स्लो गैस पे पकाना है। ये देखिए ये कैसे मस्त गोल्डन ब्राउन कलर के हो गए हैं। तो अभी हमारे ये जो बिस्किट्स हैं इनको हमने 7 से 8 मिनट के लिए लो फ्लेम पे पका लिया है और ये दोनों साइड से अच्छे से पक गए हैं, आप देख सकते हैं। तो
तो अभी हम इसको निकाल लेंगे। देखिए आप देख सकते हैं कैसे दोनों साइड से अच्छे से ब्राउन हो गए हैं। देखिए ये कैसे मस्त ब्राउन हो गए। तो अभी हम इसको टिश्यू पेपर पे एक प्लेट में निकाल लेंगे और हमारे बाकी सारे बिस्किट्स जो हैं उनको भी हम फ्राई कर लेंगे। अभी हम बाकी सारे जो बिस्किट्स हैं वो हम फ्राई कर लेंगे। तो ये देखिए हमारे जो बिस्किट्स हैं वो बिल्कुल रेडी हो गए हैं। हमने इनको फ्राई करके सब पीसेस को निकाल लिया है और अभी हम इनको प्लेट में सर्व कर रहे हैं। ये बहुत ही हेल्दी और अच्छे हैं और आप देख सकते हैं इनको कैसे मस्त हल्का ब्राउन कलर आया हुआ है। और ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी बिस्किट्स हैं क्योंकि ये आटे से बने हैं और आप इनको एयरटाइट कंटेनर में रख के कम महीना भर तो यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए ये बहुत ही आसान है बनाने में और बहुत ही टेस्टी और हेल्दी भी हैं। चलिए इसके इंग्रेडिएंट्स देखते हैं। हमको तेल लगेगा फ्राई करने के लिए। हमने यहाँ पे लगभग एक कप और 1/4 कप यानी सवा कप आटा लिया हुआ। ये नॉर्मल हमारा रोटी गूंदने का गेहूं का आटा है। फिर हमने यहाँ पे लगभग 1/4 कप हमने पानी लिया है। ये हमको हल्का गर्म करना है और गर्म लेना है। फिर यहाँ पे हमने लगभग आधा चम्मच खसखस ली है और हमने यहाँ पे लगभग 1 चम्मच ड्राई फ्रूट्स लिए हैं। इनको काट के छोटे पीसेस कर दिया है। हमको लगभग 1/4 कप घी लगेगा और 1/4 कप शक्कर लगेगा।